मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे पापा का 2015 में डेथ हो गया था। सफल होने का कोई एक फॉर्मूला तो नहीं होता है, बट फोकस्ड रहे और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें। तो जो भी मैं एज अ युवा समाज को वापस दे पाऊँ, योगदान दे पाऊँ, मैं सब कुछ करना चाहूँगी। मैंने बक्सर में रहकर ही तैयारी ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज करा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी के इस मुकाम पर देखकर। मैंने इसके लिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं रात दिन जगना साथ में, जैसे बच्चे सोते हैं तो मैं भी सोती थी, ये उठती थी वैसे उठती। इसके लिए कितनी मेहनत की? मैंने इसके लिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं रात दिन जगना साथ में, जैसे बच्चे सोते हैं तो मैं भी सोती थी, ये उठती थी वैसे उठती। बस वही दौर था कि मेरी छोटी बच्ची थी, इसके साथ ये सोती तो मैं सोती, ये जगती तो मैं जगती, इसके साथ ही साथ में जगती। पढ़ाया जाए और आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी के इस मुकाम पर देखकर। क्या नाम पड़ेगा? स्मिता लोहिया। क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश महसूस कर रही हूँ, बहुत लकी और बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि इतनी बड़ी सफलता आज मुझे मिली है। अपने पूरे परिवार को, खास करके अपने मम्मी को देना चाहती हूँ। मेरी मम्मी मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे पापा का 2015 में डेथ हो गया था, और मेरा एक छोटा भाई भी है, और ये सब लोग का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे लाइफ में। प्राथमिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से? 10th तक मेरी स्कूलिंग बक्सर से ही हुई है, वुडस्टॉक स्कूल से, और प्लस टू मैंने भगवानपुर सनबीम भगवानपुर बनारस से किया, और फिर ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट की। ये सफलता आपको पहली बार में मिल गई, इसके पहले भी आपने कई बार प्रयास किया था? जी, ये मेरा दूसरा प्रयास था, और पहले प्रयास में मेरा पहला एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, और तो ये मेरा दूसरा प्रयास था। क्या संदेश देना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए अगर सफल होना है? सफल होने का कोई एक फॉर्मूला तो नहीं होता है, पर सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है। जो आपके लिए काम करे, आप उस हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बनाएं और उस पर अमल करें, फोकस्ड रहें और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें। अच्छा, आगे क्या करना चाहेंगे समाज के लिए? आज जो भी मैं बनी हूँ ये समाज का बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो जो भी मैं एज अ युवा समाज को वापस दे पाऊँ, योगदान दे पाऊँ, मैं सब कुछ करना चाहूंगी। क्या ये सच है कि आप बक्सर में रह के ही इसकी तैयारी की है या कहीं बाहर से? जी, मैंने बक्सर में रहकर ही तैयारी की है। कैसे तैयारी की? ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज करा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और सब कोचिंग जो भी हो पाए सब ऑनलाइन ही लिया। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।